लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे शत्रुघ्न सिन्हा शनिवार को पार्टी से खामोश हो गए। इसके बाद उन्होंने साथ का साथ थमा और अब शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में जोश भरेंगे। ये संयोग भी तब हुआ जब भाजपा शनिवार को 39वां स्थापना दिवस मना रही है। फिल्मों से करियर की शुरुआत करने वाले सिन्हा ने की राजनीतिक नई पारी में शामिल होने पर कांग्रेस ने शत्रु का वेलकम किया। बीजेपी नेतृत्व से काफी समय से खफा चल रहे शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बेबाक राय रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा गलत पार्टी में थी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि वे भारी मन और गहरी वेदना से सूचित कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी को अलविदा कह दिया और शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये बड़ा संयोग है कि आज ही बीजेपी का स्थापना दिवस भी है। भाई